नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। पौड़ी विधानसभा सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस ने अपने पूर्व प्रत्याशी नवल किशोर पर ही दोबारा से भरोसा जताकर उन्हें चुनावी रण में उतारा है। कांग्रेस प्रत्याशी नवल का मानना है कि इस बार वो बीजेपी को बैकफुट में लाकर चुनावी जीत निश्चित तौर पर हासिल करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी नवल का कहना है कि बीजेपी सरकार की नाकामियों का फायदा भी उन्हें इस बार जीत हासिल करने में मददगार साबित होगा। नवल का यह भी कहना है कि पार्टी की तरफ से उन पर जताए गए भरोसे पर वो खरा उतरेंगे। नवल ने कहा कि वो साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भले ही कुछ वोटों से मात खा गए हों, लेकिन इस बार पौड़ी विधानसभा में जिस तरह बीजेपी का खराब परफॉर्मेंस रहा है, उसका सीधा फायदा कांग्रेस को ही मिलने वाला है। पौड़ी विधानसभा की जो दुर्दशा इन 5 सालों में हुई है, मंडल मुख्यालय की जो दुर्दशा इन 5 सालों में हुई है, इससे पूर्व कभी भी इतनी दुर्दशा पौड़ी विधानसभा की, मंडल मुख्यालय पौड़ी की नहीं हुई है। और इसकी जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार है। निश्चित रूप से जिनको भारतीय जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी आशा और विश्वास के साथ में वोट दिया था, वो सब लोग जो युवा साथी हैं, जो व्यापारी वर्ग है, जो कर्मचारी वर्ग है, जो महिला वर्ग है, हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। और 2022 में जनता ने मन बना लिया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनानी है। उधर काशीपुर में बीजेपी के बीच असंतोष अभी थमने का नाम नहीं ले पा रहा है। बीते दिनों काशीपुर बीजेपी प्रत्याशी को लेकर जो बगावत सामने आई थी, उसका ज्यादा गंभीरता से ना लेकर उसको नजरअंदाज करते हुए बीजेपी से 4 बार से काशीपुर विधायक चले आ रहे हरभजन सिंह चीमा ने कहा है कि सब झूठ का पुलिंदा है, कहीं कोई जनसमूह नाराजगी नहीं, सिर्फ 2 लोग हैं, उनको जल्द मना लिया जाएगा। वहीं इस दौरान उनके बेटे और काशीपुर से बीजेपी प्रत्याशी त्रिलोक सिंह चीमा ने कहा कि असंतोष सभी पार्टियों में नजर आता है, लेकिन हमारे परिवार का एक छोटा सा मामला है जिस पर बातचीत कर हल जल्द ही निकाल लिया जाएगा। वो कुछ दिनों की बात है, ऐसा होता है हर इलेक्शन में, जब 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 ऐसा हुआ है, ऐसा थोड़ा सा माहौल बिगड़ता है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हम भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और ये परिवार ही रहेगा। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन परिवार परिवार ही रहता है। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप और स्टेट की लीडरशिप का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये जिम्मेवारी मेरे पर डाली है। अगर मैं यहीं बोल दूँ कि यहाँ पर अभी मेरे ऑफिस में ही 20-25 आदमी बैठे हैं, तो क्या बात सही होगी? वो बोलने को तो जो मर्जी बोल दो, प्रेस के सामने जो मर्जी बोल दो, तो प्रेस के सामने 100 आदमी को उन्होंने 400 बना दिया, तो हम कहें कि साहब आप कह रहे हैं कि बहुत बड़े उसमें कोई विरोध हुआ है? कोई बड़े विरोध बड़े में नहीं हुआ है। दो मुख्य तौर पर दो हमारे साथी हैं जो लंबे समय से हमारे सहयोगी हैं। बीजेपी प्रत्याशी विनोद कंडारी की तरफ से क्षेत्र का दौरा किया जा रहा है। क्षेत्र दौरे के दौरान विनोद कंडारी बीजेपी सरकार की तरफ से किए जा रहे ऐतिहासिक कार्य को जनता तक पहुंचा रहे हैं, जिसके तहत लगातार बीजेपी में लोगों को जोड़ने का सिलसिला भी जारी है। वहीं इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी विनोद कंडारी की तरफ से विधानसभा देवप्रयाग के 15 साल पुराने UKD कार्यकर्ता उमेश सिंह पटवाल 35 साल से कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता धन्नालाल सहित हरीश भट्ट को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई है। तो विनोद कंडारी ने लोगों की बीजेपी की सदस्यता दिलाई है और जगह जगह जनसंपर्क अभियान चलाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं ये हुआ सर कि हमने आज तक पुरानी पार्टी जो है कांग्रेस में 35 साल उम्र कटी है, पर घर घरों में जल, घर घरों में नल, घर घरों में रोड, हर घर रोड और हर घर पानी, हर घर बिजली, तो ये हमें ये सुविधा आज तक 35 साल तक नहीं मिला। ये अब भाजपा की सरकार ने किया। प्रथम अपने भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का धन्यवाद करता हूँ, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े भाई कुशल सिंह धामी जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का और अपने सारे वरिष्ठ नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी का दोबारा यहाँ पर प्रत्याशी बनाया। और
निश्चित तौर पर एक अच्छा माहौल है। हमारी सरकार ने जो 5 साल में काम किया उसका बहुत अच्छा माहौल है। आपने देखा हो कि हमारे अभी देखा घन्ना भाई जो 35 साल से कांग्रेस में कार्य कर रहे थे और आज वो आए क्या है कि कंडाल जी मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। चमोली में फिर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिली। वहीं बर्फबारी मौसम के साथ भी बर्फबारी बताई जा रही है। वहीं इस बर्फबारी से पर्यटक और पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के चेहरे खिल उठ रहे हैं। मौसम में कड़ाके की ठंड भी देखने को मिल रही है। चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारी बर्फबारी यहाँ पर लगातार हो रही है, जिसकी वजह से जो पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनमें खुशी की लहर है। साथ ही साथ जो पर्यटन से जुड़े व्यवसायी हैं वो भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तो बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाते हुए यहाँ पर पर्यटक नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो घर हैं, जो रास्ते हैं, वो पूरी तरह से सफेद चादर में ढके हुए नजर आ रहे हैं। चमोली में गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर होने वाली परेड इस बार कुछ खास होगी। इस बार उत्तराखंड की झांकी भी परेड में नजर आएगी। इस झांकी में सिखों के प्रमुख तीर्थ हेमकुंड साहिब, टिहरी डैम, डोबरा, चांठी पुल और भगवान बद्री विशाल के मंदिर की देवता को भव्य रूप से दर्शाया जाएगा। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब का प्रदर्शन उत्तराखंड की झांकी में सबसे आगे होगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में हेमकुंड और बद्रीनाथ की झांकी को शामिल करने पर स्थानीय लोगों में भारी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस बार भी परेड खास होने वाली है। गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में उत्तराखंड की अहम और महत्वपूर्ण झांकी जो है वो नजर आने वाली है। इसमें सबसे पहले हेमकुंड साहिब को दर्शाया जाएगा, बाबा बद्री के दर्शन भी इसमें करवाए जाएंगे, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड की झांकी इसी खूबसूरत अंदाज में निकाली जा चुकी है। तो इस बार की परेड बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि उत्तराखंड की झांकी भी इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर दिखाई देगी और ये बेहद ही खास तरीके से सजी होगी। सबसे पहले हेमकुंड साहिब, उसके बाद बाबा बद्रीनाथ और जो संस्कृति है उत्तराखंड की वो इस झांकी में दर्शाई जानी है। कानपुर और कन्नौज के बहुचर्चित कारोबारी पीयूष जैन पर शिकंजा कसने के बाद आयकर विभाग के पुराने लखनऊ के एक बड़े सुपारी व्यापारी के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। यहां रकाबगंज इलाके में नरेंद्र अग्रवाल के घर पर आयकर विभाग की टीम मौजूद है। अग्रवाल इलाके के बड़े सुपारी व्यापारी बताए जा रहे हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक उनके हवाला कारोबारी से जुड़े होने का शक है। मिली जानकारी के मुताबिक अग्रवाल के ठिकानों से अब तक करीब 3 करोड़ से ज्यादा की रकम जब्त की जा चुकी है। लखनऊ विधानसभा मार्ग पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई। यहाँ परेड की प्रैक्टिस की जा रही है, जिसके चलते विधानसभा मार्ग समेत हजरतगंज चौराहे पर सामान्य यातायात को रोका गया। तो गणतंत्र दिवस से पहले जो परेड की तैयारियां हैं वो लगातार देखने के लिए मिल रही हैं। लखनऊ की तस्वीरें आप देखेंगे, गणतंत्र दिवस परेड का पूरा अभ्यास यहाँ पर किया गया है, जिसकी वजह से यातायात बाधित रहा, पूरे यातायात को इस मार्ग पर रोक दिया गया। लखीमपुर के संपूर्णा नगर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस नाबालिग किशोर को मोबाइल चोरी के आरोप में थाने ले गई थी, जिसके बाद पुलिस कस्टडी से छूटे नाबालिग दलित किशोर की मौत हो गई। वहीं पुलिस पर किशोर की बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा है, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों समेत भीड़ ने पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहीं पुलिस कर्मियों ने मकान और गन्ने के खेत में घुसकर अपनी जान बचाई। वहीं पुलिस की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया तेजी के साथ वायरल हो रहा है। लखीमपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर पुलिस कस्टडी में एक नाबालिग किशोर की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। थाना संपूर्ण नगर क्षेत्र में एक 17 वर्षीय बच्चे की मृत्यु की बात आई। परिजनों ने जाम लगाया और ये कहा कि पुलिस ने उनके बच्चे को मारा है, इसी कारण उस बच्चे की मृत्यु हुई है। इसमें कुछ तथ्य ऐसे हैं जो मैं उजागर करना चाहता हूँ।
इस मृतक के सगे चाचा ने इस पे मोबाइल चोरी का आरोप लगाया था 17 तारीख को। 19 तारीख को इसी शिकायती प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों को, इसके चाचा और इस लड़के को बुलाया गया था चौकी पे। साथ में इसके परिजन भी आए थे, इस लड़के की माँ भी आई थी, गांव का प्रधान भी आया था, 3-4 अन्य व्यक्ति थे। मामला ये है कि घर पे हमारी मोबाइल चोरी हो गई, दो मेरे भाइयों की, मेरे दो भाई हैं, दोनों की टच मोबाइल चोरी हो गई। तो ये मेरी मौसी का लड़का था जो उनके साथ सोता था। तो ये जैसे उस रात बोल के गया मैं रात को आऊँगा, दरवाज़ा खुला रखना सोने, उनके साथ ही सोता था। तो फिर वो लोगों ने दरवाज़ा खुला ही रखा। रात को ये आया था, बहुत नशे में भी था, तो ये वहाँ आया पर मतलब वहाँ सोया नहीं, अपने घर आके सो गया, या मौसी घर अपने घर पे आके सो गया। तो फिर उसके बाद सुबह उठे तो मोबाइल दोनों गायब थी। तो फिर इन पर शक हो गया उनको भी, मेरे घर वालों को भी, क्या पता राहुल आया था, राहुल रात को वो ना ले गया हो। चाचा था उनके लड़के, तो उसने ये कहा कि आप दरवाज़ा खोल के रखो, मैं अभी सोने आऊँगा। उसने थोड़ा ड्रिंक वगैरह कर, मामला 3-4-5 दिन पुराना है ये। हाँ, तो इसमें हाँ, वो उसके बाद वो घर गया तो आ नहीं पाया वहाँ से। इनके यहाँ से मोबाइल चोरी हो गया, तो इनका कहना था कि मोबाइल जो चोरी हुए हैं, इस लड़के ने चोरी किए हैं, तो इसको इसकी तहरीर चौकी में दे दी गई खजूरिया में। तो इस लड़के को उठा के ले गए वहाँ पर, चौकी में बुलवा लिया गया। वहाँ पर जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने कहा, वो लड़का जबकि बार बार कहे कि मैंने मोबाइल चोरी की है, मैं माँ कसम खाता हूँ, जैसे भी मैं भी गया था। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहाँ सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्शना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता आईएएस अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र आईएएस जैसी एग्जाम की तैयारी या पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे यूपी और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS, UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for the venture Vedanta and I just Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi, I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की? आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार। Vedanta, an exclusive IAS Institute of Dehradun, Uttarakhand, 11A Nimbuwala, opposite RIMC Main Gate, Garhi Cant, Dehradun, Mobile Number 9319700579. At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The Dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान, तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं,
किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। आज की हमारी रिपोर्ट आपके लिए दिखना बेहद जरूरी है क्योंकि आज हम कुंभ की नगरी हरिद्वार आए हैं एक कहानी लेकर। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरिद्वार और यह हरिद्वार का ज्वालापुर इलाका है जहां पर स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी के तत्वाधान में चलने वाला अस्पताल स्वामी राम प्रकाश चैरिटेबल हॉस्पिटल मौजूद है। ऐसे इनके अंडर में आने वाले तकरीबन 10 अस्पताल हैं जहां पर शिविर लगाकर मुफ्त में इलाज किया जाता है। इसके साथ ही अस्पताल 24 घंटे रनिंग में है। आज हम इस कहानी को कवर करने क्यों आए, इस कहानी को, इस स्टोरी को कवर करने का हमारा इरादा सिर्फ ये है कि हम आपको ये बता सकें कि किस तरीके से समाज में कुछ लोग हैं जो मानवता के लिए काम कर रहे हैं और कई दफा इनकी कहानियां आप तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए आज हम यहां आए हैं, यहाँ किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से लोगों की मदद की जाती है, किस तरीके से स्वार्थ को न लाकर सामने, बिना स्वार्थ के किस तरीके से डॉक्टर्स, किस तरीके से यहाँ पर पूरा स्टाफ किस तरीके से लोगों के लिए काम करता है, ये हम सब आपको बताएंगे। स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी का नौवा हॉस्पिटल जो कि हरिद्वार में 24 जनवरी 2021 को स्टार्ट हुआ है, इसमें हम साधु संत और जो निर्धन या आर्थिक रूप से जो असमर्थ हैं उन लोगों की हम मदद करते हैं, उनको हम फ्री इलाज करते हैं उनका। हमारे यहाँ हर संडे को सुपर स्पेशलिटी कैंप्स आयोजित किए जाते हैं जिसमें कि बाहर से डॉक्टर्स आते हैं और ये कैंप्स पूरी तरह से निःशुल्क रहते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासी समर में बयानबाजी और तीखी होती चली जा रही है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का जिक्र किया। उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगले 2.5 महीने तक हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत उत्तर प्रदेश में रहेगा, जनता को इनके प्रवचनों में नहीं आना है। राकेश टिकैत ने बयान अलीगढ़ में दिया, वो यहाँ पर एक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2.5 महीने तक हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत रहेगा, सरकार इनको लेकर प्रवचन देती रहेगी और इन प्रवचनों में जनता को नहीं आना। राकेश टिकैत से जब किसानों के वोट देने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 13 महीने दिल्ली में ट्रेनिंग होने के बाद में अगर चुनाव में बताना पड़ेगा कि हमारा स्टैंड क्या रहेगा, इनका मतलब ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, आधे रेट में फसल बेचकर अभी चुनाव में बताना पड़ेगा कि क्या करना है, ये सब होशियार हैं, आप अपना काम खुद कर लेंगे। मेरठ में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदिल चौधरी ने विवादित बयान दिया। आदिल चौधरी के काफिले में शुमार यूथ ब्रिगेड के नेता ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी के थानों में अंदर इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज पुलिसकर्मी बैठे हैं, उसी तरीके से सरकार बनते ही मुसलमानों के भी पुलिसकर्मी बैठेंगे, समाजवादी पार्टी के बैठेंगे और फोन पर काम होंगे। हालांकि जिस तरीके का प्रचार चुनाव आयोग के जरिए करने को कहा गया था वो प्रचार दिखाई नहीं देता। केवल 5 लोग डोर टू डोर जाकर प्रचार कर सकते हैं, लेकिन लगातार कोविड-19 के नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है, बड़े पैमाने पर मीटिंग की जा रही है। भारत में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का कहर जारी है। देश में पिछले 24 घंटों में 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। हालांकि देश में बीते दिन से 27,000 कम मामले सामने आए हैं। इससे पहले देश में कोरोना वायरस के 3,33,000 से ज्यादा मामले सामने आए।
अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 2,43,000 से ज्यादा लोग ठीक हो गए, लेकिन अभी भी 22,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। कुल एक्टिव मामले 5.69% हैं। एक दिन में कोरोना वायरस के लिए 14,74,753 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें 20.75% लोग संक्रमित पाए गए। पिछले दिन की तुलना में कोरोना मामलों में 8% की कमी आई है। पॉजिटिविटी रेट 17.78% से बढ़कर 20.75% हो गया है। आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र में सिलेंडर फटने से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पड़ोसियों के मुताबिक सुबह चाय बनाने के लिए नया सिलेंडर लगाया था, जो कि लीकेज हो रहा था। सिलेंडर लीक होने के कारण यह हादसा हुआ। वहीं सिलेंडर के फटने की आवाज से क्षेत्र में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में शिया समुदाय के पवित्र स्थल को चोरों ने अपना निशाना बनाया, जहां पर चोरों ने ठाकुरगंज के निवास गंज स्थित पुराना नजफ में लगे शीशे को तोड़कर शोकेश में लगे दो आलम और उसमें पड़े चिरागी यानी कि दान दिए गए हजारों रुपए लेकर फरार हो गए। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। ऋषिकेश में नगर निगम क्षेत्र में बड़ा हादसा होने से टल गया। भारी बारिश के बीच आधी रात को बिजली का एक खंभा अचानक तेज धमाके के साथ जमीन से उखड़कर हवा में झूल गया। गनीमत रही कि धमाका होने के बाद बिजली गुल हो गई, नहीं तो खंभे पर लगी बिजली के तार जिस पर घर के एंगल को छूकर सड़क पर गिरी, वहां करंट दौड़ने से अनहोनी हो सकती थी। कल रात को मेरे घर में 2 बजे रात को बिजली की तार गिरने से एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। जिस बिजली की कंप्लेंट हमने पार्षद और बिजली विभाग को पहले 1 साल पहले से कर चुके हैं, जिसपे कि हमारे किसी ने और अभी तक बिजली में रात 2 बजे से मैंने बिजली विभाग को अवगत करा दिया था, अभी तक हमारे यहाँ हमारी सहायता के लिए कोई नहीं आया। ये तार अभी भी हमारे घर के ऊपर वैसी पड़ी है जैसे कि रात 2 बजे से, अरे रात 2 बजे इस पर करंट आ रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार ने अपने शासनकाल में गाजियाबाद में हज हाउस बनवाया था, जबकि उनकी सरकार ने कैलाश मानसरोवर भवन की स्थापना की। योगी ने गाजियाबाद में कहा कि इससे पहले गाजियाबाद में हज हाउस का निर्माण कराया गया था। हमारी सरकार ने यहाँ कैलाश मानसरोवर भवन बनाया। पहले माफिया लोग व्यापारियों को प्रताड़ित करते थे, लेकिन अब कोई भी माफिया किसी कारोबारी, डॉक्टर या गरीब व्यक्ति की संपत्ति हड़पने का साहस नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो बुलडोजर चलेगा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पहले गरीबों के लिए आवंटित राशन अन्न माफिया के जरिए बांग्लादेश में दिया जाता था, मगर आज अनाज सीधे गरीबों तक पहुंच रहा है, 15 करोड़ लोगों को मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार अनाज के डबल डोज दे रही है। गौरतलब है कि सितंबर 2016 में तत्कालीन सपा सरकार के कार्यकाल में गाजियाबाद में हज हाउस का उद्घाटन हुआ था, जबकि कैलाश मानसरोवर भवन का लोकार्पण दिसंबर 2020 में किया गया था। नैनीताल में देर रात बर्फ पड़ने से सुबह जब लोग उठे तो ऊंची चोटियों पर बर्फ की चादर बिछी हुई देखी गई। पर्यटकों ने बर्फबारी के जमकर मजे लिए। आज सुबह से ही बर्फ पड़ने का दौर जारी है, जिसके चलते ठंड भी काफी होने लग गई है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। स्थानीय लोगों ने आग जलाकर, जगह जगह अलाव जलाकर ठंड से राहत ली है। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने से व्यवसायियों के चेहरे भी खिल उठे हैं, पर दूसरी ओर कोरोना के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, उससे भी पर्यटक नैनीताल आने में कतरा रहे हैं। पौड़ी के श्रीनगर विधानसभा सीट से उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कोषाध्यक्ष और श्रीनगर प्रत्याशी मोहन काला के जिला मुख्यालय पौड़ी पहुंचकर अपना नामांकन पत्र भरा है। नामांकन भरने के बाद मोहन काला ने कहा कि पिछले 21 सालों में राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ से प्रदेश सहित श्रीनगर विधानसभा की घोर अपेक्षा राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ से की गई है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों को सबक सिखाने का मन बना चुकी है। निश्चित तौर से श्रीनगर की लड़ाई आसान नहीं होने जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।